बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वीणा। तो वीणा का हम पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। हमारे आज के पाठ का शीर्षक है सीखो। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बच्चों सीखना तो यानी सीखते रहना, नई चीजों को सीखना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हम अपने आसपास के वातावरण से, प्रकृति से हर रोज कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। जैसे उगते हुए सूरज की किरणों से हम जगना और जगाना सीख सकते हैं या सीखते हैं। पेड़ों से हम सबको गले लगाना सीखते हैं। जल की बहती इस धारा से हम क्या सीखते हैं, जैसे ये धारा निरंतर आगे बढ़ती रहती है वैसे ही हमें भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाना सीखना है। तो ऐसे बच्चों हम प्रकृति से और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं या सीखते हैं। तो इनको जानने के लिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की ये कविता। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि हम अपने आसपास के वातावरण से क्या क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों चलिए मेरे साथ इस कविता का सहस्वर पठन करते हैं। जैसा कि हमारी कविता का शीर्षक है सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और इस कविता को लिखा है श्री नाथ सिंह ने। अब बच्चों इस कविता को थोड़ा और अच्छी तरह से सीखते हैं। तो जैसा कि हमने इस कविता से जाना कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं प्रकृति ने जो बनाई हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। जैसे फूलों से नित हंसना सीखो, नित का अर्थ है हर रोज। तो फूलों से हर रोज हम हंसना सीख सकते हैं। जैसे फूल हर रोज खिलता है वैसे ही हमें भी अपना चेहरा हमेशा खिलता हुआ रखना यानी हंसते हुए रखना चाहिए। तो हम फूलों से क्या सीख सकते हैं, हंसना। भौरों से नित गाना, भौरों का अर्थ है भौंरा। ये देखो जो फूलों पर मंडराते हुए आपने देखा होगा, मधुमक्खी से थोड़ा बड़ा होता है। तो उनसे हम क्या सीखते हैं, हर रोज हम उनकी तरह गाना गाना। तो यहाँ पर गाना गाने से अर्थ है कि जैसे भौंरा अपने काम में निरंतर लगा रहता है और गुनगुन गुनगुन करता रहता है वैसे ही हमें भी भंवरों की तरह अपने काम में मस्त होकर गुनगुनाना चाहिए यानी अपने काम को मन लगाकर करना चाहिए। तो भौरों से हम सीखते हैं नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित, तरु का अर्थ है क्या है, तरु का अर्थ पेड़। तो पेड़ों की झुकी हुई डालियों से नित का अर्थ आपने देखा हर रोज है। तो पेड़ों की झुकी हुई डालियों से हम क्या सीखते हैं, सीखो शीश झुकाना। शीश का अर्थ है सिर, अपना सिर झुकाना। जैसे पेड़ की डालियां नीचे की ओर झुकी रहती हैं वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सबके साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए, सबका झुककर आदर सत्कार करना चाहिए, बड़ों को झुककर सम्मान देना चाहिए और छोटों को प्यार। तो हम पेड़ से क्या सीखते हैं, शीश झुकाना। तो हमने क्या क्या सीखा, फूलों से हंसना, भौरों से गाना, पेड़ों से शीश झुकाना। ऐसे ही देखो हम और चीजों से क्या सीखते हैं, सीख हवा के झोंकों से लो। झोंकों का अर्थ होता है
हवा का अचानक तेज बहाव। आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चलती है तो पेड़ की डालियां इस तरह से झुक जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि हवा के झोंके आ रहे हैं, बहुत तेज गति से हवा आ रही है। तो उनसे हम क्या सीखते हैं, कोमल भाव बहाना। जैसे पेड़ जिस तरफ से हवा आती है उसी तरह पेड़ भी बहने लग जाते हैं, कोमल भाव यानी कोमल का अर्थ है नरम भाव से बहने लग जाते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ काम अपने काम में लगे रहना चाहिए, यानी उसी कोमल भाव से बहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जैसे आप बच्चों आपने देखा होगा दूध और पानी को जब अगर मिला दिया जाए तो उनको आप अलग कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो जैसे बच्चों दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, तो जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो इनको अलग करना मुश्किल होता है ना, वैसे ही हमें भी अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से और अपने घर में सब लोगों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, जिससे हम आराम से रहेंगे, हमें अलग करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हवा के झोंकों से कोमल भाव से बहना और दूध और पानी से मिलना व मिलाना यानी घुल मिलकर रहना सबके साथ। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जैसे बच्चों आपने उगते हुए सूरज को देखा होगा, जब उसकी रोशनी आती है तो उस समय हमें पता चलता है कि अब हमें जगना है और जगाना है। तो सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं, समय पर जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आपने इस तरह से पेड़ों पर, लता का अर्थ है बेल, तो ऐसे बेल चढ़ती हुई देखी होगी, तो पेड़ उनको सहारा देकर अपने साथ ऊंचाई तक चढ़ा लेते हैं, तो उनकी सहायता करते हैं ना, उनको चढ़ाने में सहारा देते हैं। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, अपने दोस्तों की व दूसरों की जितना हो सके उतनी मदद करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, सूरज की किरणों से सब में ऊर्जा का संचार करना है, यानी सबको उत्साहित करते जाना है और हमें खुद को समय पर जगना और जगाना है। तो यहाँ पर जगना और जगाना से अर्थ है कि हमें खुद भी सतर्क रहना है और औरों को भी करना है। लता और पेड़ों से हमने क्या सीखा, सबको गले लगाना यानी सबके साथ मिलजुल कर रहना और सबकी सहायता करना, मदद करना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक आपने ऐसे घर में जलता हुआ देखा होगा, तो क्या होता है, दीपक जितना हो सकता है, जितनी इसकी बाती में प्रकाश होता है उससे जितना हो सके उतना अपने आसपास अंधेरे को दूर करने की कोशिश करता है। हरना का अर्थ है मिटाना, दूर करना। तो ऐसे ही हमें भी एक दूसरे की सहायता या मदद जितनी हम कर सकते हैं, जितने किसी के कष्टों का हरण कर सकते हैं, जितना किसी के कष्टों को कम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। प्राणी का अर्थ है मनुष्य या व्यक्ति। तो पृथ्वी क्या करती है, सब हम सभी प्राणियों की बिना कुछ लिए हमसे हमारी सच्ची सेवा करती है। तो हमें पृथ्वी से सीखना है कि जैसे पृथ्वी सबकी सेवा करती है वैसे ही हमें भी जितना हो सके हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को जितना हो सके उतनी हमारी सेवा देनी है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, दीपक से क्या सीखा, अंधेरे को दूर करना यानी किसी के कष्टों का निवारण करना। पृथ्वी से क्या सीखा, प्राणी की सेवा करना। और हम प्रकृति की चीजों से क्या सीख सकते हैं, जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जल धारा का अर्थ होता है पानी का प्रवाह यानी जल की धारा। तो जैसे जल की धारा निरंतर आगे बढ़ती जाती है अपने जीवन में, वैसे ही हमें क्या करना है, हमें भी निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुआं आपने इस तरह देखा होगा ट्रेन में, घर में, हमेशा क्या करता है, हमेशा ऊपर की ओर ही चढ़ता है। तो जैसे धुआं हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता है वैसे हमें भी जीवन में निरंतर प्रोग्रेस करनी है, हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ना है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, जलधारा से जीवन में सदैव आगे बढ़ते जाना, और धुएं से सीखा हमने ऊंचा चढ़ना। तो इस तरह बच्चों देखा हमने प्रकृति से कितनी सारी चीजों को सीखा, ऐसे ही हम अपने जीवन में, अपने आसपास
की चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस कविता का एक बार सारांश देख लेते हैं। इस कविता में हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने के लिए कहा गया। तो हमने क्या क्या सीखा? फूलों से हंसना, भंवरों से गाना, पेड़ों से सिर झुकाना, हवा के झोंकों से कोमल भाव से बहना यानी अपनी ही मस्ती में बहते जाना, दूध व पानी से मिलजुल कर रहना, सूरज की किरणों से जगना और जगाना, लता से सबको गले लगाना, दीपक से अंधेरा दूर करना, पृथ्वी से प्राणी की सेवा करना, जलधारा से जीवन में सदैव आगे बढ़ना और धुआं से हमेशा जीवन में ऊंचे ही चढ़ते जाना। इन सबको बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हो। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। बातचीत के लिए आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों देखो और बताओ। ये देखो, सूरज, पेड़, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। ये यहाँ पर पहाड़, नदी बह रही है, यहाँ पर फूल खिल रहे हैं, आसमान में क्या है? बादल, नीचे हरी घास, यहाँ पर क्या है? कुछ पत्थर। इनके अलावा और क्या है? ये पेड़ों पर क्या लगे हैं? फल। और इनके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? जो भी आप देखते हो वो बताइए। जैसे मैं रोज सूरज देखती हूँ, पेड़ देखती हूँ, पक्षियों को देखती हूँ, पहाड़ देखती हूँ क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर पहाड़ दिखाई देते हैं, नदी, फूल, बादल, हरी घास, पत्थर। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उगते हुए सूरज को देखकर आपके जो भी भाव आते हैं आपको बताने हैं। जैसे उगता सूरज बहुत ही ठंडा व प्यारा दिखता है और मन में सूरज की तरह चारों तरफ उजाला फैलाने के भाव आते हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल करता है कि उन फूलों को अपने हाथ से छू लूं। कविता की बात किससे क्या सीखें, इनका मिलान करना है। तो हमें क्या, सूरज से हमें क्या सीखना है? जगना और जगाना, फूलों से हंसना, दीपक से अंधेरा दूर करना, भंवरों से गीत गाना, पेड़ों से सिर झुकाना और जलधारा से जीवन में सदैव आगे बढ़ना। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से बताइए। जैसे मुझे सूरज से सीखने की बात सबसे अच्छी लगी तो उसका इस तरह यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। फूलों से मुझे हंसना सीखना सबसे अच्छी बात लगी तो यहाँ पर फूल का चित्र बनाना है। पढ़िए और बताइए कि ये भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कविता की पंक्तियों को लिखना है जिन पंक्तियों में ये भाव आया है। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। तो इसके लिए कौन सी पंक्तियाँ आएंगी? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी नदी और नहर जिनको हम जलधारा कह सकते हैं, जल की बहती धारा। तो ये कौन सी पंक्तियों में था? जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। कविता से आगे सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। तो बताओ बच्चों, सूरज से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? जैसे चारों ओर ऊर्जा फैलाना और समय पर उठना और सोना। इसके अलावा आप क्या क्या सीख सकते हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।
लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। तो इनसे हम आपस में एक दूसरे की सहायता करना सीख सकते हैं, अपने आसपास सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहना। भाषा की बात, ये क्या है शब्द और इनका अर्थ क्या है? ये जैसे तरु एक शब्द है जिसका अर्थ है पेड़, शीस का अर्थ है सिर, पृथ्वी का अर्थ है धरती, हरना का अर्थ है दूर करना, पथ का अर्थ है रास्ता या मार्ग। ये बच्चों आप इनको याद करिए। स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। कविता में से देखिए कि स से बनने वाले कौन से शब्द हैं। जैसे पहला है सीखो, सीख, सके, सच्ची, सूरज, ये ऐसे कुछ शब्द कविता में आए हैं। ऐसे ही पैसे, पानी, पेड़ों, पृथ्वी, प्राणी, पर। तालिका ए तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए, यानी इनको पढ़िए और इनमें अंतर पहचानिए। जैसे तालिका ए में है पड़ा, यानी कोई वस्तु अगर रखी हुई है तो उसे हम कह सकते हैं कि ये चीज यहाँ पर पड़ी है, पड़ी यानी रखी हुई है। पढ़ा, किसी चीज को पढ़ना, रीड करना। बड़ा, बिग, बढ़ा, आगे बढ़ना। अड़ना, किसी चीज बात के लिए एक ही जगह पर अड़ जाना यानी रुक जाना। बढ़ना, आगे बढ़ना, चलते जाना। उड़ना, फ्लाई करना। पढ़ना, रीड करना। कढ़ाई, स्टिचिंग का काम। कढ़ाई, जैसे धागे से हम कपड़े पर कढ़ाई करते हैं, और कढ़ाई कढ़ाई जिसमें हम सब्जी बनाते हैं। लड़ाई, फाइटिंग करना। चढ़ाई, से किसी सीढ़ी पर चढ़ना, किसी पत्थर पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, चढ़ाई करना, पेड़ पर चढ़ना। गूंजो तो जाने, ये बच्चों दो पहेलियां हैं, इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखना है किस बच्चे को इसका सही उत्तर आ रहा है। तो हमारी पहेली है, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। कौन है ये? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इस पहेली के उत्तर आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, मैं आपको वहां पर इनके उत्तर बता दूंगी। तो बच्चों इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ो और इसको समझो, तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमें रोजाना कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे वो हमारे आसपास के लोगों से सीखो या प्रकृति से। क्या आप रोज सुबह उगते सूरज को देखते हैं? तो इस बात का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।